तो हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और नया ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ कावासाकी शोरूम। टाइम हो चुका है, बजे हैं 2, तो इस समय जा रहा हूँ मैं कावासाकी शोरूम। तो वहाँ पे मैं जाके मैंने सोच रहा हूँ कि बाइक के ऊपर एग्जॉस्ट डलाने के लिए, तो फास्ट सर्विस होगी अब, मैंने सोचा उसके ऊपर एग्जॉस्ट डलाऊँ। तो आज मैं जा रहा हूँ कावासाकी शोरूम, तो वहाँ जाके मैं डलाऊँगा एग्जॉस्ट। तो फिर मैं आपको चेक करवाऊँगा कि कौन सी एग्जॉस्ट की आवाज़ साउंड अच्छी है। जो आपको साउंड अच्छी लगेगी वो मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताना कि हाँ भाई हनी, इसकी आवाज़ अच्छी है, ये वाला तुझे डलाना चाहिए। तो मैं वही वाला एग्जॉस्ट डलाऊंगा। तो मिलते हैं आपको आगे। गाइस देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ कावासाकी शोरूम। अभी बाइक मैंने बाहर लगा रखी है, तो अब बाइक जाएगी अंदर यहाँ से, फिर होएगी एग्जॉस्ट लगाने की प्रक्रिया पूरी। इसके बाद तो देख सकते हैं बाइक अब आ चुकी है अंदर, अब होएगा इसका एग्जॉस्ट चेंज। तो अभी हम करने वाले हैं एग्जॉस्ट चेंज, चेक करेंगे कैसी साउंड आती है। अगर साउंड अच्छी आती है तो फिर हम लगवा ही लेंगे। पहली सर्विस के बाद लगवा सकते हैं आप, जब मर्जी लगाओ। लोग नवे है ना। तो अभी हम करवाएंगे, पहले साउंड देखेंगे कैसी है, फिर उसके बाद ही एग्जॉस्ट चेंज करवा ही देंगे हम। देख सकते हैं भैया ले आए हैं अपने औजार, अब इन औजारों से खुलेगा मेरा जो पुराना जो कंपनी फिटेड है एग्जॉस्ट, वो खुलेगा। फिर उसके बाद 2-3 एग्जॉस्ट चेक करेंगे, जिसकी साउंड अच्छी होगी वही हम लगाएंगे। एक काम करना, जब थोड़ी चल जाएगी ना 2-3 सर्विस, उसके बाद में ना परफॉर्मेंस सर्किट डाल देना, वो लाइफ टाइम के लिए ना एक बार ही होता है। अच्छा हाँ, वो हर सर्विस में वॉश होगा तो वही लग जाएगा हर सर्विस में, ठीक है वो अलग हो गए। गाइस देख सकते हैं अभी हमारा एग्जॉस्ट उतरने वाला है, जो कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है वो अभी उतरेगा। इसके बाद अब दूसरा हमारा एसी का और दूसरा पता नहीं कौन सा एक्रो फैब्रिक पता नहीं कौन सा है वो लगेगा। तो फिर हम साउंड चेक करेंगे कितनी अच्छी, जिसकी ज़्यादा अच्छी साउंड होएगी वही हम इंस्टॉल करेंगे। तो देखते रहो वीडियो में मेरी। तो गाइस देखो अभी ये उतरने वाला, और वाह अरे वाह क्या आवाज़ दे रहा है, देखो ये उतर गया है। ऐसे भी कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है इसके बिना एग्जॉस्ट के, पट 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 खतरनाक आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे लगेगा हमारा दूसरा वाला एग्जॉस्ट, अभी ये दे रहा है इसको एक्सेलेरेटर। साउंड चेक करो, क्या बात है, क्या मस्त साउंड आ रही है। साउंड चेक करो आप, बताओ मुझे कैसी साउंड लग रही है आपको। दूसरा भी लगाएंगे, पहले फिलहाल इसका चेक करो आप, इसकी आवाज़ चेक करो, एक नंबर आवाज़ आई है।
कौन सा सही है इनमें से? बैंड पाइप लगेगी छोटी सी पाइप ये यहां से टिप से कटेगी। अच्छा टिप से कटेगी इतनी छोटी पाइप आएगी। एक नीचे से भी तो पूरी पूरी पाइप भी तो लगती है। फुल हेड डालना पड़ेगा ये लगेगा। अच्छा हां ये गाइस मैं आपने देख ही लिया होगा मैंने दोनों एग्जॉस्ट चेक किए थे तो दोनों की आवाज़ सही थी तो पर एक्रोफोबिक का उसकी साउंड थोड़ी अच्छी ज़्यादा थोड़ी मेरे को ना डिसेंट साउंड लगी उसकी थोड़ा सिस्टम पे वो उस पर अच्छी लग रही थी बाइक के ऊपर से अच्छी लग रही थी। तो आप आपकी राय है आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है साउंड किस कैसी साउंड कौन सी साउंड आपको अच्छी लगी मुझे उसके बारे में बताओ तो फिर मैं जो भी आप मुझे सजेस्ट करोगे मैं वही वाला लगाऊँगा एग्जॉस्ट। फिलहाल आज तो मैं चेक करवा कर आ गया हूँ तो जितने ज़्यादा मैसेज करोगे जितने ज़्यादा कमेंट करोगे आप मुझे बताओगे अगर ज़्यादा जिस एग्जॉस्ट के बारे में 100 कमेंट आएंगे तो मैं वही वाला फ़िट कराऊंगा। ठीक है अगर 100 कमेंट आते हैं मुझे जिस भी एग्जॉस्ट के ऊपर तो मैं वही वाला एग्जॉस्ट लगाऊंगा और साथ ही साथ मेरे 1K भी होने वाले हैं तो आप सबकी वजह से 1K भी होने वाले हैं। आप सब ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दिया मेरी वीडियोज़ को लाइक किया शेयर किया जो भी किया थैंक यू फॉर इसके लिए। तो अब मैं मेरे 1K भी होने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि 1K जैसे मेरे 1K होंगे तो 1K पे मैं एक बर्नआउट मारूंगा ट्राई करूंगा वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करूंगा बर्नआउट मारूंगा तो उस बर्नआउट में मैं अपना पूरा टायर जो पिछला टायर मेरा पूरा नया आया अभी पूरा जैसे मैंने बाइक ली थी वैसे ही चेंज करवाया था मैंने MRF का टायर है वो टायर मैं पूरा लॉस करूंगा उसको पूरे को ब्लास्ट करूंगा 1K हो जाएंगे जैसे मेरे 1K हो जाएंगे मैं वैसे ही वो करूंगा 1K सेलिब्रेशन में अपने बर्नआउट के साथ टायर ब्लास्ट करके करूंगा मैं। तो ओके गाइस वेलकम थैंक यू तो ऐसे ही मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहें जितना हो सके शेयर करें। तो मेरी यार आप सबसे यही है कि जितना हो सके आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करूँ मैं। मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मोटो ब्लॉगिंग है तो मैं वही करूँगा मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं वो चीज़ डाल देता हूँ यार ये नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर एक जो मैं अपना वो रखूँ कि हाँ भी मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो मैं वही करूँगा वो चीज़ नहीं है मेरे पास। मैं जैसा ये फैमिली है कोई भी फंक्शन है या फिर कोई हम फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं तो कोई भी ट्रिप है कहीं पर भी है मैं वही चीज़ सब कुछ डाल देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना चीज़ें और हर चीज़ बताना दिखाना तो फिर मैं वो सारा कुछ डाल देता हूँ। तो आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर करो सपोर्ट करो। जा रहे हैं पार्क मैं और हनी जा रहे हैं पार्क। हनी ने मुझे फ़ोन किया कि भैया क्या कर रहे हो मैं कहा कुछ नहीं कह रहा आओ भैया चलते हैं पार्क में तो मैं कहा चल ठीक है चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मुट्ठी पार्क में तो देखते हैं वहाँ पर जाके थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं तो मिलते हैं हम आपको बाहर जाके। चलो चलो थोड़ी साइड धीरे चलाओ अब नहीं धीरे यार उड़ना थोड़ी है हवा में 120 से ऊपर नहीं चलानी हमने
120 से ऊपर नहीं चलानी है अंकल, देख ब्लॉग देखना 120 से ऊपर नहीं जाएगा, 40 से ऊपर भी नहीं जाने देंगे मेरे को। पार्क जाना है? तो ये देख सकते हैं आप शांत पार्क, नया पार्क बना है हमारे जम्मू पूरे पलोड़े का सबसे बड़ा पार्क है ये, पलोड़े नहीं मुट्ठी का, पूरा मुट्ठी मुट्ठी है, पूरे पूरे जम्मू का सबसे बड़ा पार्क है भाई ये देखा जाए तो, विदाउट कोई फी, विदाउट कोई पर्ची, साथ में ही नाला भी बह रहा है, देखो नाले में कोई गिर गया तो हो गया कस्ता उसका, देख लो ऊपर सामने क्वार्टर भी है। पार्क में आए तो हैं लेकिन यार मजा नहीं आ रहा यार, रौनक नहीं है ना, रौनक नहीं है ना, लंबा पार्क है ना, लंबा पार्क है, लंबा पार्क है, मैं लोग दूर दूर तक दिख रहे हैं पता क्या दिख रहा है मुझे लग रहा है यहाँ टाइम भी हो गया नहीं इस टाइम पे लोग मेरे को टाइम इज 9 बज के 9:30 बज रहे हैं या तो लोग खाना खा रहे होंगे या तो खाना करके सैर करके चले भी गए होंगे और यहाँ पे ऐसे ही ज्यादातर अभी लोग खाना खुना खा के पर हमारा भी टाइम हो जाएगा ना खाना खुना खाने का हमें जाना पड़ेगा हमारे मेरी बाइक के ऊपर कैसे फोटो खींच रहे हैं मिलाते हैं सब्सक्राइब।